नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? एक बार फिर मेरे चैनल में लैब टेक्नीशियन अड्डा में आपका स्वागत है। मेरा नाम है दिनेश कुमार, और यदि अभी तक जो है आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो जो है आप लोगों के लिए लाता रहूंगा, अलग अलग जो है इंस्ट्रूमेंट पैरामेडिकल फील्ड से या मेडिकल फील्ड से, या फिर लैब के जो लेबोरेटरीज में जो भी जो हम प्रैक्टिकल यूज करते हैं इंस्ट्रूमेंट का, या फिर प्रैक्टिकल पार्ट जो होता है, या फिर जो हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो मैं जो है समय समय में जो है आप लोगों के लिए अलग अलग वीडियोस जो है इसी तरीके से लाता रहूंगा। आप मेरे को प्रोत्साहित करें, मेरे चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, मेरे जो वीडियोज़ हैं उनको आप लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज जो है मैं आपको जो है अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का, कुछ इंस्ट्रूमेंट को जो है मैं आपको जो है दिखाना चाहता हूँ कि कैसे कैसे इंस्ट्रूमेंट जो हम लेबोरेटरीज में यूज करते हैं उसका क्या यूज होता है, उनको जो है थोड़ा सा पार्ट में आपको जो है इसमें शो करूंगा। और इसके अलावा भी अलग अलग इंस्ट्रूमेंट जो है हमारे लेबोरेटरीज में यूज होते हैं, वो भी मैं आपको जो है अलग अलग एक एक पार्ट करके जो है मैं आपको दिखा दूंगा। तो दोस्तों, ये जो है अलग अलग इंस्ट्रूमेंट जैसे कि मैं आपको शो कर रहा हूँ, है ना, तो जैसे कि आप ये देख पा रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्टिलेशन, है ना, एपरेटस, मतलब इसमें जो है हम डिस्टिल वाटर जो है बनाते हैं, ये आप देख रहे होंगे, है ना। इसमें भी पावर सप्लाई जो है यूज होता है, इसमें जो है कॉयल वगैरह लगे हुए हैं ये अलग अलग। तो इसमें जो है पानी जो है जब गर्म होता है उसके बाद भाप बनता है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे इधर से जो है वेपर फॉर्म में जो है फिर जो है ठंडा होकर के जो है हमें ये जो है हमें डिस्टिल वाटर दे देता है। तो इस तरीके से ये प्लांट जैसे, उसके बाद जो है कैलोरीमीटर का आपको बता दिया, ये कैलोरीमीटर रखा हुआ है हमारे पास, है ना। उसके बाद जो है यहाँ पर अलग अलग जो है डिजिटल पीएच मीटर जो है, ये पीएच मीटर का भी मैंने आपको बता दिया है, पीएच मीटर की क्लास आप देख सकते हैं, उसमें जो है पीएच कैसे मेजर करते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का क्लास भी मैं आपको डाल दूंगा, है ना। तो इसमें जो है हम कैसे जो है इसको ऑपरेट करते हैं ये, उसके बाद जो है हम क्या यूज करते हैं ये आप देख रहे होंगे, है ना, वॉर्टेक्स जो है मिक्सचर जो है ये वाला है, ठीक है। उसके बाद जो है ये डिजिटल जो है बैलेंस है, ठीक है। उसके बाद ये जो है हम मैनुअल तरीके से जो है किसी भी चीज़ को जो है क्या कर सकते हैं, बैलेंस का काम जो है इसमें कर सकते हैं, है ना। बहुत ही कम क्वांटिटी में कोई भी चीज़ हमें मेज़र करना है या फिर जो है उसमें वेट करना है, तो इसमें जो है हम वेट आसानी से कर सकते हैं, है ना। तो ज़्यादातर जो है हम ये डिजिटल वाला जो है बैलेंस मशीन यूज करते हैं। उसके बाद सेंट्रीफ्यूज मशीन रखा हुआ है ना। तो उसके बाद सेंट्रीफ्यूज मशीन जो है मैं आपको जो है अलग से जो है बता दिया है इसका क्या यूज है हमारे लैब में, है ना, सेंट्रीफ्यूज का क्या काम है। तो इसमें जो है अलग प्रकार का सेंट्रीफ्यूज रखा हुआ है जैसे आप देख सकते हैं, है ना। तो ये आपके पास जो है रोटर लगा हुआ है, तो ये भी जो है फ्लेक्सिबल रोटर है ना। तो इस तरीके से तो ये भी जो है छोटा वाला सेंट्रीफ्यूज है, मैंने आपको जो है डिजिटल बड़ा वाला सेंट्रीफ्यूज का जो है क्लास आपको डाल करके दिया है। उसके बाद जो है मैं आज जो क्लास है ये ऑटोक्लेव का, तो ये ऑटोक्लेव की मशीन रखी है। उसके बाद ये हॉट एयर ओवन है, ये भी स्टरलाइजेशन, दोनों का काम स्टरलाइजेशन है, ऑटोक्लेव और हॉट एयर ओवन का। हॉट एयर ओवन का जो है ड्राई स्टरलाइजेशन का काम है, और ये जो है ऑटोक्लेव जो है ये मॉइस्ट स्टरलाइजेशन। इसको जैसे कि मैं आपको खोल के भी दिखा दूं, है ना, तो ये इसके बारे में भी मैंने आपको पूरा जो है डिटेल जानकारी दे दिया है मेरे यूट्यूब चैनल में, आप देख सकते हैं। उसके बाद इंक्यूबेटर, इंक्यूबेटर भी अधिकतर सारे लैबों में यूज होता है ना। तो इंक्यूबेटर भी बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, इंक्यूबेशन का काम जो है ये करता है। तो इस तरीके से ये भी सेम सेम देखने में जैसे कि आपको दिख रहा होगा, है ना, दोनों जो है देखने में सेम है, लेकिन इनका जो है फ़र्क जो है कहाँ, ये जो है स्टरलाइजेशन का काम, इसका टेम्परेचर भी ज़्यादा रहता है, और इसका जो है इंक्यूबेटर है तो इसका जो है क्या है टेम्परेचर भी कम रहता है इसमें। और अब जो है टेम्परेचर यहाँ से पूरा जो है क्या है सेट कर सकते हैं, है ना, अलग अलग स्विच यहाँ पर लगा हुआ है, और यहाँ पर जो है किसी भी चीज़ को इंक्यूबेट करना है तो इसमें जो है अच्छे से चैम्बर यहाँ पर जो दिख रहा होगा आपको, इसमें हम रख करके जो है किसी भी चीज़ को इंक्यूबेट कर सकते हैं, है ना। तो ये जो है, उसके बाद ये हमारा अगला जो है मशीन दिख रहा होगा आपको, ये जो है क्या है वाटर बाथ का है। तो इसमें जो है पूरा दिखा देता हूँ मैं आपको खोल के इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पर जो है पूरा ये चैम्बर आपको दिख रहा होगा, पानी भरकर जो इसमें क्या है हम पानी गर्म कर सकते हैं, है ना। इस तरीके से ये पूरा वाटर बाथ की मशीन है, इसका भी मैं आपको जो है अलग से डाल करके आपको दिखा दूंगा। जो है हमारे पास फ्लेम फोटोमीटर का है पूरा, है ना, तो इसको जो है प्रैक्टिकल पार्ट में डाल देंगे, आप देख सकते हैं इस तरीके से जो है इसका मशीन आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर जो है डिजिटल मीटर जो है लगा हुआ है, फ्लेम फोटोमीटर, है ना, लिखा हुआ है अलग अलग नोट जो है ना, 1, 2, है ना, सेंसिटिविटी जो है लिखा हुआ है, सेट 0 करने का है, कैलकुलेशन का है ना। तो अलग अलग जो है ये आप देख सकते हैं, इसमें से जो है हम स्पेसिमेन जो भी जिसका भी हमें लेना रहता है टेस्ट रीडिंग, वो जो है इस तरीके से इसमें जो है डाल देते हैं। और ये अलग अलग जो है नोब्स लगे हुए हैं, ये डिटेल पार्ट जो है मैं आपको दिखा दूंगा, है ना। तो इस तरीके से जो है फ्लेम फोटोमीटर का पूरा स्ट्रक्चर ये जो है
हमें कौन सा चीज़ जो है रीडिंग लेना है, जैसे सोडियम पोटेशियम है ना, तो जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है आपको सोडियम का, तो इस तरीके से जो है अलग अलग जो है इसमें पार्ट्स लगे हुए हैं।